देखो मैं तो गांव का आदमी हूं, गांव में जो लोग शांत रहते हैं ना, पूरे कुत्ते उन्हीं के घर पे आके बैठ जाते हैं, और जिनके घर पे दो चार उनके दरवाजे पे कुत्ते भूखते आते हैं क्या, बैठते हैं क्या? जब जानवर भी पहचानता है कि यहां लठ मिलेगी और यहां रोटी मिलेगी, इंसान नहीं पहचानेगा क्या? वो जानते हैं दुबई में जाऊंगा 20 साल सजा होगी, जर्मनी में जाऊंगा 20 साल सजा होगी, वहां जाऊंगा 10 साल सजा होगी, सिंगापुर में घुस गए तो 15 साल सजा होगी, रूस में घुस गया तो 20 साल सजा होगी, भारत में घुस गया तो 10 से 15 हजार रुपए में कागज बन जाएगा, वोटर लिस्ट बन जाएगी, किसान सम्मान निधि भी मिलेगी, मुद्रा लोन भी मिलेगा, जनधन खाते से पैसा भी आता रहेगा, माइनॉरिटी स्कीम का भी फायदा मिलेगा, मुफ्त में मकान मिलेगा, मुफ्त में लोन मिलेगा, और उसके बाद मुफ्त में राशन मिलेगा। जब तक व्यवस्था नहीं बदलेगी तब तक भारत को बचा पाना मुश्किल है, नहीं नामुमकिन है। मैंने कहा दुनिया के कई देशों की घुसपैठ के कारण कई देशों में बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है, इसको रोकना बहुत जरूरी है। कारण हम समाज केवल इतना कर सकता है, उसको आइडेंटिफाई करता है कर सकता है, समाज केवल इतना कर सकता है, 100 नंबर पर फोन करके पुलिस को इन्फॉर्म कर सकता है। अल्टीमेटली होर्डिंग लगाना, घुसपैठियों को पकड़ना, जेल में डालना किसका काम है? आज के छत्रियों का, यानी थानेदार, तहसीलदार, पेशकार, तहसीलदार, कमिश्नर, कप्तान का काम, और उनको वेतन भत्ता गाड़ी बंगला इसीलिए मिलता है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब तक कोई व्यक्ति चुनाव लड़ रहा होता है तब तक वो पार्टी का आदमी होता है, जैसे वो चुनाव लड़के संविधान की शपथ लिया वो किसका आदमी हो गया? सबका हो गया। उस सांसद विधायक को वेतन भत्ता गाड़ी बंगला फ्री एयर टिकट फ्री रेल टिकट सिक्योरिटी पार्टी देती है या? अरे बोलिए हम देते हैं भाई, टैक्स आप देते हो, आपका पैसा। तो इसलिए आपके क्षेत्र का सांसद किसी पार्टी का हो वो है आपका, आपने उसको वोट दिया तो भी आपका, नहीं दिया तो भी आपका। इसलिए घुसपैठियों को भगाने की उसकी ड्यूटी है, उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही हो ये व्यवस्था आपको करना पड़ेगा। दूसरा जो सबसे बड़ा खतरा है, वो है जनसंख्या विस्फोट। आप में से 20 से ऊपर वाला कोई है क्या? अरे जिसके 20 से ज्यादा बच्चे हो है कोई? अच्छा 15 से 20 वाला कोई है क्या? 10 से 15 वाला कोई? 5 से 10 वाला कोई? सारे हम दो, हमारे दो, सबके दो। इस समय भारत में 90,000 बच्चे पर डे पैदा हो रहे हैं। मेरी PIL चल रही है जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए, 90,000 पर डे। चीन का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज्यादा है, चीन में पैदा हो रहे हैं पर डे 45,000, हमारा क्षेत्रफल चीन का 1/3 है और हमारे यहां कितने हो रहे हैं? हम दुनिया के बेताज बादशाह हो चुके हैं, हम दुनिया में नंबर 1 इसी काम में हैं। 90,000 पर डे का मतलब होता है 3.25 करोड़ पर ईयर। दुनिया के 150 देशों की जनसंख्या 3.25 करोड़ से कम है, यानी दुनिया के 150 देशों का 50 देशों की जनसंख्या 3.25 करोड़ से कम है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि हम कहां पे जा रहे हैं। उदाहरण के लिए आपको बताता हूं, UAE जनसंख्या 1 करोड़ है और हमारे यहां हर साल कितने पैदा होते हैं? जोर से बोलिए जरा, 3.25 करोड़। सोमालिया 1.9 यानी 2 करोड़ और हमारे यहां पैदा होते हैं। कजाकिस्तान 2 करोड़, हमारे यहां 3.25 करोड़ हर साल। सीरिया की टोटल जनसंख्या 2.5 करोड़, हमारे यहां पैदा होते हर साल 3.25 करोड़।
कोरिया की जनसंख्या 2.5 करोड़ टोटल, हमारे यहाँ 3.25 करोड़ हर साल। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया की जनसंख्या 2.5 करोड़, हमारे यहाँ 3.25 करोड़ हर साल। कैमरून 3 करोड़, हमारे यहाँ 3.25 करोड़ हर साल। अरब 3.25 करोड़ और हमारे यहाँ 3.25 करोड़ हर साल। 1 अरब के बराबर हमारे भारत में। और ये जो 90,000 पर डे पैदा होते हैं, इसमें से लगभग 55,000 अवांछित है। अवांछित, अवांछित क्यों? वो पांचवें हैं, छठवें हैं, सातवें हैं, आठवें हैं, नौवें हैं, दसवें हैं, ग्यारहवें हैं, बारहवें हैं, तेरहवें हैं, चौदहवें हैं, पंद्रहवें हैं, सोलहवें। आज के हिसाब से 2 तो पर्याप्त है, लेकिन ये लगभग लगभग तो आधे से ज्यादा बच्चे अवांछित पैदा हो रहे हैं, उनकी जरूरत नहीं है फिर भी पैदा हो रहे। तो बर्डन किस पे आएगा? आप इनकम टैक्स दीजिए, आप जीएसटी दीजिए, आप टोल टैक्स दीजिए, रोड टैक्स दीजिए, वैट दीजिए, फलाने दीजिए, इसे टैक्स के ऊपर टैक्स, टैक्स के ऊपर टैक्स, सस देते रहिए। तो पैदा कोई और करे और पालन पोषण कोई और करे, ये पूरा खेल चल रहा है। जमीन हमारे पास दुनिया की 2%, पानी हमारे पास दुनिया का 4% और जनसंख्या हमारी दुनिया की 20% हो चुकी है। पूरे दुनिया की जो जनसंख्या है लगभग 800 करोड़ की है, उसमें से 150 करोड़ हम अकेले हैं। 800 करोड़ में से 150 करोड़ हम अकेले हैं भाई। 130 करोड़ तो आधार बन चुके हैं, आधार जिंदा लोगों का बनता है, मरे हुए लोगों का। 130 करोड़ आधार बन चुका है। और आपके घर में 100% आधार नहीं होगा, आपके घर में भी 5 लोगों के परिवार होगा तो एक आधार नहीं होगा, छोटे वाले का कहां होगा आधार, आधार तो बाद में बनता। 150 करोड़ हो चुके हैं। दुनिया की जो सबसे बड़ी समस्या है वो है जनसंख्या विस्फोट, जिससे भारत परेशान है। नतीजा ये है, सरकार जब तक 2 करोड़ घर बनाती है 10 करोड़ बेघर पैदा हो जाते हैं। सरकार 2 करोड़ लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था करती, 10 करोड़ बेरोजगार पैदा हो जाते। लेकिन पॉलिटिशियन को ये बड़ा आराम है इसमें, क्योंकि जितना ज्यादा जनसंख्या विस्फोट होगी उतना ज्यादा गरीबी होगी, उतना ज्यादा गरीबी होगी तो पॉलिटिक्स करना आसान होगा। केवल 5-5 किलो राशन, चावल 100 यूनिट फ्री, 100 थोड़ा सा पानी फ्री, थोड़ा बिजली फ्री, इतने पर अपना काम होता रहेगा। अगर जनसंख्या कम हो जाएगी, पढ़ लिख लेंगे, सवाल जवाब करेंगे, बातचीत करेंगे, तर्क करेंगे, वो करना शुरू कर देंगे तो फिर मुसीबत आएगी। इसलिए जितना बढ़िया, जितना ज्यादा जनसंख्या रहे उतना अच्छा। दूसरा, दुनिया के बहुत सारे देश भारत को बाजार मानते हैं, उनका यह मानना कूड़ा कबाड़ा वो वहां बनाए, आप बिकेगा कहां पे? तो बाजार में तो रौनक रहनी चाहिए ना, बाजार में सुनसान होना चाहिए, रौनक होनी चाहिए। और रौनक तब रहेगी जब धड़ाधड़ बच्चे पैदा होते रहे। तो पूरी दुनिया नहीं चाहती भारत में जनसंख्या नियंत्रण कानून हो, क्योंकि उनका सामान यहां बिकेगा। और भारत के ज्यादातर पॉलिटिशियन नहीं चाहते कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बने, क्योंकि पॉलिटिक्स करना आसान है। कोई 500 का वादा कर देगा, कोई 1,000 रुपए वादा कर देगा, कोई 100 यूनिट बिजली फ्री का वादा कर देगा, कोई कुछ वादा कर देगा, आराम से उसकी सरकार बन जाएगी। लेकिन सफर कौन कर रहा है? हम लोग सफर। ये जो डेमोग्राफी बदल रही है उसका दूसरा सबसे बड़ा कारण है जनसंख्या विस्फोट। और ये रुकेगा कानून से, और कानून भी तगड़ा वाला। जो हम दो हमारे दो माने वो भारत का नागरिक, और जो हम दो हमारे दो ना माने वो, और कोई तरीका नहीं है। चीन ने 60 करोड़ बच्चों को पैदा होने से रोक दिया। अगर हमने चीन के साथ कानून बनाया होता आज हम लगभग 90-95 करोड़ होते, जो आज हम 100-150 करोड़ हो चुके हैं। चीन ने 60 करोड़ बच्चों को पैदा होने से रोक दिया, हालांकि थोड़ा गलत किया उसने, बाद में एक पे कर दिया, हम दो हमारे एक कर दिया, तो थोड़ा वहां बुढ़ापा ज्यादा बढ़ गया, नहीं तो हम दो हमारे जो रखता तो भी जो है। तीसरा जो सबसे बड़ी समस्या है वो है धर्मांतरण। धर्मांतरण होने का कई कारण है। पहला तो जितना ज्यादा गरीबी होगी थोड़ा सा लालच देकर धर्मांतरण कराना आसान हो जाएगा। कुछ अपनी तरफ से भी कमियां हैं, जैसे भारत में 6,000 तहसीलें हैं और सारी कथा 2,000 तहसीलों में होती है।
टोटल भारत में कितनी तहसील है? जितनी राम कथा, भागवत कथा, कृष्ण कथा, जितनी कथाएं होती हैं, ये सारी की सारी 2000 तहसीलों में होती है, घूम घूम के होती रहती है। 4000 तहसील हमने मिशनरियों के लिए और जिहादियों के लिए छोड़ दिया, जाओ भैया तुम वही कन्वर्ट कर लो, हम उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे। तो 4000 तहसील हमने खुला छोड़ दिया, जाओ तुम्हें जो करना है करो। इसमें हमारी भी थोड़ी कमी है, हम भांडुप पे रहते हैं, यहां तो कथा करा लेते हैं, अपने गांव में कथा नहीं कराते। हम भांडुप पे रहते हैं, यहां सारा काम कर लेते हैं, अपने गांव में कभी 24 घंटे का एक कीर्तन करा के भंडारा नहीं कराते, भैया सबको बुला के कब तुम खाना पीना खिलाते। आप अपने दिल पे मत लेना, मैं कॉमन, मैं एक सामान्य बात बता रहा हूं, बोलना पड़ेगा, कड़वी सच्चाई तो बोलनी पड़ेगी। और वहां पे सारा कन्वर्जन होता चला जा रहा, आपको पता ही नहीं है, कन्वर्ट हो चुका नाम वही। कन्वर्जन का तीसरा सबसे बड़ा कारण है सरकारों की योजनाएं। एससी एसटी के लिए 100 योजना है और अल्पसंख्यक के लिए 300 योजना है। इसका मतलब यह हुआ कि एक एससी एसटी जब तक एससी एसटी रहेगा उसको 100 योजना का लाभ होगा, जैसे ही वो कन्वर्ट हो जाएगा तो 300 माइनॉरिटी वाली टोटल कितनी हो गई? 400। अब आप बताओ वो एससी एसटी बन के रहे या कन्वर्ट होकर रहे? भारत में धर्मांतरण कराने के लिए 10 कानून चल रहे हैं, धर्मांतरण कराने के लिए लगभग 300 योजनाएं चल रही हैं। घर वापसी के लिए ना कोई कानून है ना घर वापसी के लिए कोई योजना है। कन्वर्जन कैसे होता आपको बता रहा हूं। माइनॉरिटी कमीशन की स्कीम है कि अगर बच्चा वो 5वीं पढ़ेगा 8वीं पढ़ेगा तो उसको 1000 रुपए वजीफा मिलेगा। झुग्गी में रहने वाले सारे गरीब हैं, झुग्गी नंबर 1 में हिंदू, झुग्गी नंबर 2 में मुस्लिम, झुग्गी नंबर 3 में क्रिश्चियन। अब झुग्गी नंबर 1 वाले को 1000 रुपए नहीं मिल रहा क्योंकि वो हिंदू है, झुग्गी नंबर 2 और 3 वाले को माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री से 1000 रुपए मिल रहा। वो अपने पिताजी को बोलता है, पिताजी मेरे बगल वाले को 1000 रुपए मिल रहा, मुझे क्यों नहीं मिलता? पिता जाके पूछता है स्कूल से, भाई अगर 2 के दे रहे हम क्यों? बोले तुम्हें नहीं मिलेगा, तुम तो हिंदू हो। झुग्गी में रहने वाले के लिए 1000 रुपए की कीमत होती है। बोला हमें कैसे मिलेगा? बोलो कन्वर्ट हो जाओ मिल जाएगा, नाम उसका राम कुमार है। अब या तो वो अब्दुल बने, अब्दुल बनने में कहीं और भी काम करना पड़ेगा कि नहीं? तो बोलता अच्छा फिर और नहीं, नहीं हम वो तो नहीं कर पाएंगे। बोले काम करो, तुम्हारा नाम भी राम कुमार रहेगा, तुम्हारे पिताजी का नाम भी श्याम कुमार रहेगा, तुम क्रिश्चियन बन जाओ। क्योंकि क्रिश्चियन बनने पे उसको ना नाम बदलना है, कुछ भी नहीं बदलना है, और केवल स्कूल में रिलीजन वाले कालम में उसको क्रिश्चियन लिखना है। उसको पैसा मिलना शुरू हुआ और जैसे 2-4 महीने वजीफा मिला फिर उसको ब्लैकमेल करते हैं, तू क्रिश्चियन बन के पैसा ले रहा है, तेरे हाथ में रक्षा क्यों है? काट के निकाल देगा। तू क्रिश्चियन बन के 1000 रुपए ले रहा है, तिलक क्यों है? हटा देगा। तू क्रिश्चियन बन के पैसा ले रहा है, गले में क्रॉस नहीं है, क्रॉस पहन लेगा। तू क्रिश्चियन बन के पैसा ले रहा है, दिवाली कैसे मनाता है? छोड़ देगा। तो धीरे धीरे ग्रेजुअली 5 से 6 साल में वो वास्तव में क्रिश्चियन बन जाए। ये हमारे देश में चल रहा है, इसीलिए मैंने PIL फाइल किया कि सबसे पहले माइनॉरिटी को डिफाइन करिए, उसके बाद माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री चलाइए, फिर माइनॉरिटी कमीशन चलाइए, जो करना है करिए, पहले ये तो बताओ माइनॉरिटी है कौन। अरे भैया माइनॉरिटी 0.1 वाला होगा, 0.2% होगा, 0.5% होगा, 1% होगा, माइनॉरिटी डिफाइन तो करो। माइनॉरिटी डिफाइन नहीं किया ना भारत के कहीं संविधान में माइनॉरिटी डिफाइन, ना भारत के किसी कानून में माइनॉरिटी डिफाइन, और माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री चल रही है, माइनॉरिटी कमीशन चल रहा है, केंद्र सरकार की माइनॉरिटी की योजनाएं दुनिया भर की, राज्यों की माइनॉरिटी की दुनिया भर की योजनाएं, हु इज माइनॉरिटी डोंट नो। ये माइनॉरिटी मेजॉरिटी का खेल बंद करना बहुत जरूरी है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये जो माइनॉरिटी मेजॉरिटी का खेल चल रहा है इसको रोकना बहुत जरूरी है। आजकल एक आपने सुना होगा वक्फ, सुना कि नहीं सुना?
चार पांच साल पहले सुना था क्या? पहली पीएल मेरी है, डेढ़ हजार अंग्रेजी कानून खत्म हो चुके हैं, उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद। आर्टिकल 35 है 370 खत्म हो गया, उसके लिए प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद। यूसीसी भी आने वाला है, उसके लिए पहले से ही एडवांस में उनको धन्यवाद। बात वक्फ की करते हैं, विभाजन किस आधार पे हुआ? मजहब के विभाजन किस आधार पे हुआ? मजहब के। हमारे संविधान निर्माताओं ने कहा कि अब मजहब के आधार पे कोई नियम कानून नहीं चलेगा, मजहब के आधार पे कोई योजना नहीं होगी, मजहब के आधार पे कोई मंत्रालय नहीं होगा, मजहब के आधार पे कोई कमीशन नहीं होगा। भारत का संविधान कहता है जो होना चाहिए सबके लिए होना चाहिए, केवल दो लोगों को छूट दिया हुआ है। आर्टिकल 15 में महिलाओं और बच्चों को छूट दिया हुआ है। संविधान कहता है कि आप महिलाओं के लिए अलग से मंत्रालय बना सकते हैं, महिलाओं के लिए अलग से आप कमीशन बना सकते हैं, महिलाओं के लिए अलग से आप योजना लागू कर सकते हैं, महिला और बच्चों दोनों के लिए। आर्टिकल 46 कहता है कि आप एससी एसटी के लिए अलग से कमीशन बना सकते हैं, अलग से मंत्रालय बना सकते हैं, अलग से उनके लिए बजट स्कीम ला सकते हैं। तो भारत के संविधान में केवल दो लोगों को छूट है, महिला बच्चा और एससी एसटी, बाकी किसी के लिए अलग से कोई नियम कानून नहीं होना चाहिए। भारत में 18 ट्रिब्यूनल चल रहे, उसमें से 17 ट्रिब्यूनल सबके लिए है, केवल एक ट्रिब्यूनल ऐसा है जो केवल एक मजहब के लिए है। अब इसका दो तरीका है, जैसे कि बार बार वो लोग कह रहे हैं हमको तो पुराना वाला वर्कपैट चाहिए, ऐसा मांग हो रही है ना, नहीं बदलाव नहीं होना चाहिए, बदलाव नहीं होना चाहिए। आज मैं भी कह रहा हूं ठीक है बदलाव नहीं होना चाहिए,